हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है आरजू और आज की वीडियो होने वाली है वॉट ऑल थिंग्स यू शुड बैक इफ यू आर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बिकाइज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोज़ एंड आई एम रियली सॉरी दैट इट्स कमिंग लिटल लेट

डॉक्यूमेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड कैरी विद यू और उसमें मैंने पॉइंटर्स में बता रखा है दैट आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए तो वो वीडियो मिस मत करना तो पहली चीज है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल वो बिना भूले रख लेना मैंने तो रख ली गाइज सेकेंड थिंग इट्स ऑस्ट्रेलियन करेंसी तो गाइज तो डॉलर रख लेना प्लस जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फॉरेक्स कार्ड तो so गाइज अगर आप फॉरेक्स कार्ड बनवाना चाहते हो तो बनवा लेना वो थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा आपको ज़्यादा कैश नहीं कैरी करना पड़ेगा और आप उसको ऑस्ट्रेलिया में यूज़ कर पाओगे थर्ड थिंग गाइज टेक क्लाइमेट अप्रोप्रिएट क्लोदिंग अगर मैं बात करूँ मेलबन की मेलबन में अभी फिलहाल बहुत ठंड है और आने वाले मंथ्स में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है टेम्परेचर लिटरली गोज़ टू टू डिग्रीज थ्री डिग्रीज और वहाँ पर बहुत ठंडी हवाएँ चलती हैं तो जिनसे भी मेरी बात हुई दे आज मी टू पैक पफर जैकेट्स तो गाइज मैंने पफर जैकेट्स ले ली हैं कुछ पहले से ही थी ऑल्सो थर्मल्स भी रख लेना ग्लव्स रख लेना सॉक्स रख लेना कैप्स रख लेना और मफलर्स रख लेना तो गाइज़ वहाँ जाते बीमार नहीं होना क्योंकि अभी फ़िलहाल इंडिया में गर्मी है तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं और बॉडी एकदम से अडेप्ट कर पाती ठीक है इस पॉइंट से मुझे याद आया मेडिसिन गाइज़ डोंट फोगेट टू टेक मेडिसिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के जैसा नहीं है कि हम हमें बुखार हो गया खांसी हो गई हम केमिस्ट की दुकान पे गए दवाई ले आए और ठीक हो गए ठीक है वहाँ पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है और वो लोग जो मेडिसिन देते हैं वो बहुत माइल्ड होती है और उससे हम इंडियंस तो ठीक होने से रहे ठीक है तो फॉर टाइम बींग आप लोग मेडिसिन ले जाना जुकाम खांसी बुखार की ठीक है लेकिन उन मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास जरूर होना चाहिए एंड मेक श्योर यू आर टेकिंग दैट फ्रॉम अ सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ना होगा इज एक एडवाइज है दैट डोंट ओवर पैक ठीक है क्योंकि जो एयरलाइंस हैं वट एवर एयरलाइन यू हैव बुकड योर फ्लाइट इन एवरी एयरलाइंस हैव देयर ओन प्रोसीजर ओन बैगेज अलाउेंस तो जिस हिसाब से हमें बैगेज अलाउंस मिला है हमें उस हिसाब से पैक करना है तो गाइज वी शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स हमें प्रायोरिटाइज करना है कि क्या चीज़ें ले जा ले जाना बहुत ज़रूरी है और किन चीज़ों के बिना काम चल जाएगा या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाके ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी वो भी चीप प्राइस में ठीक है तो ये मत करना कि आप यहाँ से एक डेढ़ लाख दो लाख के शॉपिंग करके जा रहे हो गाइज वहाँ पर कमाना और ख़ुद खरीदना लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ से लेकर जानी हैं जो जाते ही आप वहाँ पे नहीं खरीदोगे एंड इट्स बेटर टू टेक इट फ्रॉम योर होम कंट्री तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी और दिखाऊंगी भी हाँ जी तो बात करूँ गाइज़ मेलबर्न की तो वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है ठीक है तो अम्ब्रेला और रेनकोट लेना मत भूलना मैंने अम्ब्रेला ले लिया आप भी ले लेना अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की गाइज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है उनके बिना तो आजकल हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं तो फर्स्ट थिंग है आपका मोबाइल फ़ोन तो गाइज़ अगर आपके पास ठीक ठाक मोबाइल फ़ोन है यानी कि वर्किंग कंडीशन में है ठीक है तो डोंट बाय न्यू फ़ोन नया फ़ोन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है अस्सी नब्बे हज़ार यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन आप वहाँ पे जाके अर्न करना और वहाँ से ख़रीद लेना गाइज़ बहुत स्टूडेंट ऑफ़र्स निकलते हैं ठीक है यहाँ से आपको वहाँ पे सस्ते रेट में मिलेगा और वहाँ पे स्टूडेंट के लिए भी इजी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं तो इट्स इजी फॉर अ स्टूडेंट टू बाय अ लेटेस्ट फ़ोन तो यहाँ से जो भी फ़ोन है बोले जाना वहाँ जाके ख़रीद लेना लेनागाइज़ मैंने ख़रीद लिया है ये एक पावर बैंक क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बाहर जॉब कर रहे हो ठीक और चार्जर पॉइंट नहीं है वहाँ पर समझ लो तो वहाँ पर ये बहुत काम आएगा तो मैंने ये पावर बैंक ले लिया है तो अगर आपको भी लेना है तो ले लेना गाइज उसके बाद मैंने लिया ये वन प्लस के एयरफोन्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफकोर्स लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ले लेना ठीक है थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी जरूरी है <laughs> तो मैंने ये ले लिया नाउ कम्स टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज यूनिवर्सल अडेप्टर गाइज आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू नो अबाउट दिस लेकिन मैं बताती हूँ ऑस्ट्रेलिया में जो प्लग इन पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इंडिया से तो जो आपके इंडियन चार्जर्स वगैरह हैं वो वहाँ पर जाके नहीं लगेंगे ठीक है उसके लिए आपको यूनिवर्सल अडाप्टर लेना पड़ेगा या पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया का एडाप्टर लेना पड़ेगा तो गाइज़ मैंने तो ले लिया है मेक श्योर sure आप ये चीज़ ले रहे हो इसको प्रायोरिटी में रखना गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ से इसमें सारे कंट्रीज का है यूरोप का है ऑस्ट्रेलिया का है जापान का है यूएसए का है तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन करती हूँ तो ये पिन ऑस्ट्रेलिया की होती है देखो लंबी लंबी सो मेक श्योर यू आर बाइंग दिस उसके बाद लेट्स गेट टू द पॉइंट गाइज फोन कवर्स तो गाइज़ वहाँ पे फ़ोन कवर्स हो गया ग्लास गार्ड हो गया यहाँ पे पचास पचास सौ सौ रुपये में लगते हैं राइट right? वहाँ पे बहुत महंगे होते हैं ये सब चीज़ें तो मेक श्योर यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा फ़ोन कवर्स और ग्लास गार्ड विद यू ये एक एडवाइस है तो ले लेना नाउ गाइज़ नेक्स्ट थिंग कम्स टू योर लैपटॉप ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें लैपटॉप ज़रूरी है नाउ अब मैं ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप ख़रीद लेना लेकिन अगर है पुराना भी है तो पुराने वाला लैपटॉप ले आना मैक खरीदने में या कोई भी एक्सपेंसिव लैपटॉप ख़रीदने में पैसे खर्च मत करना इंडिया से क्योंकि वही सेम चीज़ मैं कहूँगी कि काफ़ी स्टूडेंट ऑफर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में और आप वहाँ से इज़िली लैपटॉप ख़रीद सकते हो तो so गाइज़ मेरे पास लैपटॉप ऑलरेडी है तो मैंने कोई भी लैपटॉप नहीं ख़रीदा और मैं यही लैपटॉप लेके कर जाऊँगी एंड गाइज़ मेक श्योर यू आर नॉट कैरिंग एनी फॉल्टी डिवाइस तो जो भी चीज़ ख़रीद रहे हो उसको टेस्ट ज़रूर कर लेना कि वो चलता हो नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ टॉयलेट्रीज तो so गाइज़ हमें बेसिक टॉयलेट्रीज लेकर जानी है क्योंकि ऐसा होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करोगे तो आप एकदम से तो शॉप पे नहीं जाओगे ना टूथपेस्ट खरीदने टूथब्रश खरीदने सो मेक शोर यू आर टेकिंग योर टूथब्रश टूथपेस्ट कोई बेदिंग सोप और कपड़े धोने का साबुन एक दो रख लेना गाइज मैंने भी रख लिया है रेजर्स फेस मास्क एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स डोंट फॉर टू कीप मेकअप क्योंकि वहाँ पे मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल थिंक दैट यू नो यहाँ से क्या लेकर जाना है विल बाय इम्पोर्टेड मेकअप वहाँ पर बट गाइज दैट कैन कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग सो वो रिस्क मत लेना स्टार्टिंग का मेकअप अपने साथ लेकर जाना एंड गाइज एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पेक्स तो गाइज अगर किसी को स्पेक्स है तो मेक श्योर यू आर टेकिंग टू टू थ्री पेयर्स ऑफ स्पेक्स विद यू गाइस पहली चीज तो है कि स्पेक्स बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं वहाँ पर और दूसरी चीज़ है इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू नो एक्स्ट्रा पेज ऑफ स्पेक्स कि यू नो एक्सीडेंटली आपका स्पेक्स टूट जाए या कुछ भी हो जाए सो यू शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव विद यू तभी के तभी मुझे स्पेक्स नहीं है बट आई हैव परचेज सन ग्लासेस क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी गर्मी भी होती है तो आप लोग सन ग्लासेस भी खरीद लेना इट्स लाइक like, बहुत इंपॉर्टेंट है खरीद लेना एंड गाइज गर्मी से याद आया डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग सनस्क्रीन गाइज इट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो सन है वो बहुत हार्श होता है और वहाँ के यू वी रेज आपके स्किन को लिटरली डैमेज कर सकते हैं सो इट्स लाइक एडवाइजेबल कि आप लोग एक सनस्क्रीन अपने साथ कैरी कर रहे हो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे सनस्क्रीन भी मिल जाएगी बट स्टार्टिंग में एक सनस्क्रीन अपने साथ रख लेना नाव गाइज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है रनिंग शूज़ तो गाइज़ आई वुड एडवाइज़ यू टू बाय अ गुड पेयर ऑफ रनिंग शूज़ ये चीज़ मैं ज़रूर आपको ख़रीदने को बोलूँगी क्योंकि वहाँ पर पूरी भाग दौड़ भरी जिंदगी है आप लोग वहाँ पे फैंसी सैंडल्स नहीं पहनोगे ठीक है uh, फैंसी स्लीपर्स उतने नहीं पहनोगे जितना आप शूज़ पहनोगे अगर आप ड्रेस भी कैरी कर रहे हो ना आप तब भी शूज़ पहनोगे क्योंकि वहाँ पे चलने का बहुत है ठीक है मैंने भी ख़रीदे हैं uh, दिखाती हूँ गाइस आई हैव परचेज प्यूमा रनिंग शूज़ दिज आर लाइक क्वाइट गुड ब्लैक कलर में हैं uh, I would advise you to buy shoes in black. Also, guys, जो आप outfits भी ला रहे हो, make sure you are carrying black outfit. कि वहाँ पर जो भी jobs वगैरह होती हैं, वहाँ पर black outfit allowed है. So it's better to take, you know, uh, extra uh, black pajamas and ties. एक और चीज जो मैं advise करूँगी, वो होता है waist bag, जो कि है ये. इसको आप ऐसे carry कर सकते हो. या फिर आप इसको वेस्ट पे भी टाई कर सकते हो गाइज so, इसके बहुत फ़ायदे हैं एक तो जो भी चीज़ें आपको हैंडी रखनी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट है आपकी टिकट्स हैं Uh, आपका वीज़ा है जो कि आपको एयरपोर्ट पे एंट्रेंस पे दिखाना है और फिर आगे भी दिखाना है सो इट्स बेटर टू यू नो कीप थिंग्स हैंडी आपको किसी भी बड़े बैग में ढूंढना ना पड़े तो ये बहुत छोटा सा बैग होता है इसके अंदर आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हो आप अपना वॉलेट रख सकते हो अपना फ़ोन रख सकते हो और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो तो गाइज़ ये तो मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी गाइज कंसिडर बाइंग अ वेस्ट बैग यू you नो know, ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप एक वेस्ट बैग खरीद रहे हो एंड यू वॉन्ट रिग्रेट क्योंकि मैंने इस बैग को अपनी दो जर्नी में ऑलरेडी यूज़ कर लिया है एंड ट्रस्ट मी जाए इट्स अमेजिंग आपकी हर एक चीज़ हैंडी हो जाती है इट्स सेफ और बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को ढूंढना सो इज नाउ वी विल स्टार्ट विद दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ मस्ट मस्ट थिंक दैट यू शुड कंसिडर बाइंग एंड गाइज वो है ये वैक्यूम बैग्स I don't know how many of you know about this but guys trust me these bags are blessing इनके बारे में मैं बताती हूँ तो guys क्या होता है ना कि आ, जैसा मैंने बोला कि every airline has their own procedures और उनका एक certain amount होता है baggage का आ, कि आप कितने kgs लेके जा सकते हो तो कई बार क्या होता है कि कुछ सामान होता है वो काफ़ी फूला हुआ होता है लाइक पफर जैकेट्स उनमें काफ़ी एयर होती है तो अब उनमें वेट कम है लेकिन एयर ज़्यादा है तो वो स्पेस ज़्यादा कवर कर लेती हैं तो so so, जो सारी एयर थी जिसने स्पेस uh, ऑक्यूपाई की हुई थी वो सारी निकल जाती है आपके पास काफ़ी स्पेस बन जाती है बैग में सामान रखने के लिए इसके साथ आता है एक ये पंप अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप से भी हो जाएगा और काफ़ी जल्दी हो जाएगा अगर नहीं है तो ये तो आता ही है वाइज ये मैंने लिया था अमेजोन से इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लेकिन उससे पहले इसका यूज़ मैं आप सभी को ज़रूर दिखाना चाहूँगी तो चलो देख तो so गाइज़ ये वीडियो हो गई है बहुत बहुत लंबी मैंने आधी चीज़ें कवर कर ली हैं आधी चीज़ें अभी भी बाकी हैं एंड आई थिंक आई हैव टू मेक अ पार्ट टू अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना ऑल्सो उसमें मैं सारे यूटेंसिल्स बताऊंगी कि क्या क्या यूटेंसिल्स ले जाना बहुत ज़रूरी है उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को दिखाऊँगी अपने बैग्स दिखाऊँगी कैसे मैंने पैक किया है एवरी थिंग विल बी इंक्लूडेड और ये वीडियो बहुत बहुत जल्दी आएगी सो स्टे टून मेक श्योर यू आर टेकिंग ऑल दिस थिंग्स विद यू गाइज यू वॉन्ट रिग्रेट टेकिंग ऑल दिस थिंग्स डोंट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आर जू वस्कोर गोर अंडर स्कोर कुछ भी डाउट हो कॉमेंट्स में पूछ लेना एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आएगी टिल देन बब बाय एंड टेक केयर it.